थानाकरण क्षेत्र के दिव्य नगर एवं थाना पिपराइश के ग्राम मौलाखोर में एक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मोहल्ला दिव्यनगर थाना कैंट के 250 मीटर की परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 मीटर की परिधि क्षेत्र को बफर जोन तथा मौलाखोर ब्लॉक भटहट थाना पिपराइज की 400 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन तथा 700 मीटर परिधि क्षेत्र को बफर जोन घोषित करते हुए उस परिधि सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उस परिधि क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों के लिए विभिन्न आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण कार्य के लिए संबंधित अधिकारी नामित किए गए हैं, जिसके संबंध में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नामित अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, कल आज इनके सैंपल लिए हैं तो दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आप कल ही रहने देते क्यों आए? अरे सर, पता था कि आप निकले हुए पानी से। कोई नहीं, यहाँ सब लोग हैं, मैं बुला लेता अगर। नहीं सर, तो इसमें क्या है कि दो तीन दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। अगर उनकी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक है, और पॉजिटिव आती है तो और भी सैंपल हम कराएंगे, है ना। बस गाँव में गाँव का व्यक्ति कोई बाहर ना जाए, गाड़ी घोड़ा तो सर कोई नहीं जाती है, लेकिन कोई किसी को एकदम जैसे दवा लाना है साहब चाहे उनके नाम लोग को जाते हैं। प्रधान भी जो है क्वारंटाइन है ना, अपने पिताजी की नहीं उसको दीजिए प्रधान की। अभी गई है यहाँ से पूरा सैनिटाइज करके मिला हुआ, बड़ी वाली गाड़ी होगी। हाँ सर, वो मशीन से रखते हैं, फोर व्हीलर गाड़ी से पिकअप टाइप, हर दिन होता था सैनिटाइज। उसको गुंजाइश में दीजिए, इसमें बहुत चांसेस है। मैंने उसको आज दो हॉटस्पॉट बने हैं हमारे थाना कैंट में, दिव्यनगर में, जहां दो पॉजिटिव केस मिले हैं, मुंबई से आए हैं। तो वहां पे शहर क्षेत्र में 250 मीटर कंटेनमेंट एरिया कर दिया है, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है लगभग 7 लोगों के, उनके भी सैंपल ले लिए गए हैं। वहां पे सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से करवा रहे हैं। एंट्री एग्जिट को सिग्नल किया गया है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन काम किया जा रहा है। इसके साथ ही थाना पिपराइच अंतर्गत आज नया हॉटस्पॉट मिला है मुलाकात, उस गांव में 3 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और 40 सैंपल के आसपास जा चुके हैं उस गांव में, जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी लंबी है। तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति छूटा ना रहे। अभी 40 सैंपल का हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आएगा तो उसके अगले भी सैंपल और कराएंगे, क्योंकि वो 3 जो व्यक्ति हैं थोड़ा उनका कॉन्टैक्ट ज़्यादा पूरे गाँव के साथ लगभग हो गया है। तो आज लगभग 2-3 घंटे हम वहाँ खुद रहे, पूरे गाँव में घूम के अपने जागरूक किया, और जो हमारे निगरानी समिति है, आशा, आंगनवाड़ी, उनको एक्टिवेट किया घर घर जाकर, क्योंकि लंबा जनसंख्या काफ़ी है उस गांव की, कई सारे उसके एंट्री थे, सबको बंद कराया। और चूंकि उस गांव में काफ़ी संभावनाएं हैं संक्रमण की, तो उस एक संभावना को हम हर पॉसिबिलिटी को लेते हुए हमने किया कि कहाँ से हो सकता है, कहाँ से इसको रोका जा सकता है। एक्टिवेट किया बीट कॉन्स्टेबल, उन सबको बोला है कि सुबह शाम आप इसमें पेट्रोलिंग करते रहिए, लोगों को कम से कम बाहर निकलें। मूवमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके गांव प्रधान के पिताजी को भी कोरोना पॉजिटिव है, गांव प्रधान जो भी हैं वो भी क्वारंटाइन हो रखे हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी ज़्यादा है, CSC के डॉक्टर्स को भी हमने बता दिया है, MIC को, वो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, और जितनी आवश्यक सेवाओं वस्तुओं की आपूर्ति वो हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से करवा रहे हैं। वहाँ पर हम खुद प्रत्येक दिन जाएंगे, उस गाँव में थोड़ा सा संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। सर, कुछ निर्देश भी देंगे गांव वालों को सावधानी बरतने के लिए? हाँ, गांव में हमने आज हमने वॉक मतलब पैदल मार्च किया, सभी वहाँ के SOB आ गए थे और हमारे संबंधित कानूनगो भी थे। लगभग 2-2.5 घंटे हम वहाँ गाँव में रुके और बताया लोगों को कि किस तरीके से खतरा है, क्या है, कैसे ना जाएं, आप कैसे बाहर ना जाएं। गाँव वाले भी थोड़े से डरे हुए हैं, 3 केस पॉजिटिव आ गए हैं और भी सैंपल अभी आना बाकी है। तो वैसे कोई खतरे की बात नहीं, हमने बताया कि इतना पैनिक भी नहीं होने की ज़रूरत है। बाकी बहुत 30 केस तो उसी गांव में सैंपल में 30 नेगेटिव आ गए हैं, 30 में से 3 ही पॉजिटिव आए हैं। तो बस हमें एहतियात बरतना है कुछ दिनों तक, उसके बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। जैसे हमारे और अन्य हॉटस्पॉट को हमने बोला है, ऐसे ही हॉटस्पॉट भी खुल जाएंगे और नेगेटिव जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यही बताया हमने वहाँ पर बेसिकली।
सर सदर क्षेत्र में अब तक कितने हॉटस्पॉट हो गए हैं? अब टोटल हम तहसील में बात करें तो लगभग 16 हॉटस्पॉट हमारे एक्टिव हैं अभी भी। पिपराइज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, फिर गुलरिया थाना हमारा अंतर्गत आता है, उसके बाद फिर चिलवा थाना में हॉटस्पॉट है। शहर में तो हमारा हॉटस्पॉट अभी कैंट में अभी आज ही बना है दिव्य नगर में, जहाँ हमें दो नए पॉजिटिव केस मिले हैं।